संग्राम तेज, विधायकों को किया जैसलमेर शिफ्ट। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के विधायकों के जैसलमेर शिफ्ट पर उठाए सवाल, कहा लोकतंत्र में सब ठीक तो बड़ा बंदी क्यों। गहलोत सरकार ने किया ब्यूरो केसी में बड़ा बदलाव, राज्य प्रशासनिक सेवा के 57 अफसरों के किए तबादले। भारत में तेज हुआ कोरोना का कहर, एक दिन में आए 55,000 से अधिक मामले। राजस्थान में कोरोना के 362 नए मामले। राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। विधानसभा सत्र के हलचल के बीच कांग्रेस विधायकों को सुरक्षा कारणों को लेकर जैसलमेर शिफ्ट किया गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट गुट के बाद अब गहलोत खेमे के समर्थक विधायकों को जयपुर से बाहर जैसलमेर के मैरियट शिफ्ट कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो विधायकों को 3 ट्रिप में चार्टर प्लेन से शिफ्ट किया गया है। वहीं विधायकों के अलावा सभी मंत्री जयपुर में ही ठहरेंगे। उन्हें 15 दिन का सामान मंगाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक जयपुर से 3 ट्रिप में चार्टर विमान से विधायकों को जैसलमेर ले जाया गया। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में इस पर विधायकों की राय ली गई थी, जिसमें ज्यादातर विधायकों ने बाहर शिफ्ट करने के पक्ष में अपनी राय दी है। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 97 अफसरों के तबादले कर दिए हैं। राज्य के कार्मिक विभाग की ओर से देर रात जारी तबादला सूची के अनुसार इनमें करीब 3 दर्जन से अधिक SDM बदल दिए गए हैं। सरकार ने 2 RAS अफसरों लक्ष्मी नारायण बुनकर और लोकेश कुमार को APO कर दिया है। तबादला सूची में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों विशेषकर विधायकों के डिजायर का खासा ध्यान रखा है। विधायकों की पसंद के अफसरों को ही लगाया गया है। पूर्वी राजस्थान के अहम जिलों सवाईमाधोपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में जातीय समीकरणों का ध्यान रखा गया है। इन जिलों में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के पसंद के अधिकारी लगाए गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बागी विधायकों के पसंद के अफसर नहीं बदले हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बागी विधायकों के साथ सुलह के संकेत माने जा रहे हैं। सिर्फ लाडनो विधायक मुकेश भाकर के पसंद के अधिकारी पर गाज गिरी है। कोरोना वायरस संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से दोबारा उबारा जाए, इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विशेषज्ञों से बात करते रहते हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनिस से बात की। राहुल ने कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र और आम लोगों के जीवन के असर पर चर्चा की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि आप गरीबों की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, कोरोना संकट कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं पहले से बात कर रहा हूं, कोरोना संकट ने समाज की कुरूतियों को उजागर किया है। गरीब, प्रवासी मजदूर हम सबके बीच है, लेकिन कोरोना संकट ने इन्हें सभी के सामने ला दिया है। इन्हें अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। यदि हम उनकी मदद करें तो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जा सकता है, मगर हम ऐसा नहीं करते हैं। राहुल ने यूनुस से पूछा कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए छोटे कारोबारी ही भविष्य है, लेकिन सिस्टम इसे नहीं देख रहा। तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक मामले में पश्चिमी देशों की तरह चलते हैं, इसी वजह से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच गहलोत गुट के विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट किया गया है, जिस पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सब एक है, कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र है, सब ठीक है, तो बाड़ा क्यों, बिकाऊ कौन है, उनके नाम सार्वजनिक करो, बाड़े में भी अविश्वास। जयपुर से जैसलमेर के बाद आगे तो पाकिस्तान है, हकीकत से कब तक दूर भागेंगे जादूगर अशोक गहलोत। पूनिया ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा कि अशोक गहलोत जी का प्रवचन सुना, दिल्ली जाना कौन सा गुनाह है, आप भी दिल्ली मुंबई जाते हो, हम भाजपा के काम से बार बार जाएंगे, क्यों बताकर जाएं, यह हास्यास्पद है, दिल्ली जाने का मतलब सरकार गिराना है, राजस्थान भाजपा को दोष क्यों, सरकार गिर रही है तो बचाना हमारी जिम्मेदारी है क्या। राजस्थान में जारी सियासी जंग के बीच गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खुलेंगे। गृह विभाग इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी करेगा। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने 31 अगस्त तक हर पंचायत में ग्राम रक्षक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी सचिव 31 अगस्त तक सभी जिलों का दौरा करेंगे और सरकार को रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। सीएम गहलोत ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और बढ़ेगा। साथ ही पुलिस को सहयोग और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी में मदद मिल सकेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी इस पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजस्थान के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत माणिक्य लाल वर्मा के सानिध्य में की।
1933 में मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की गतिविधियों से सुखाड़िया सक्रिय रूप से जुड़े, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। सुखाड़िया ने 13 नवंबर 1954 को 38 वर्ष की आयु में राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 55,079 नए मामले सामने आए हैं और 779 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 16,38,871 हो गई है, जिनमें 5,45,318 सक्रिय मामले हैं। 10,57,806 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 35,747 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत मृतकों की संख्या के मामले में दुनिया का 5वां देश बन गया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के 362 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में आज सबसे ज्यादा मामले कोटा से 122 और सीकर से 61, बीकानेर से 42, जयपुर से 38, अजमेर से 34, अलवर से 22, झालावाड़ से 26, बांसवाड़ा से 9, झुंझुनू से 4, चित्तौड़गढ़ और जालौर से 1-1 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 41,298 हो गए हैं, जिनमें एक्टिव केसेस की संख्या 11,319 है और आज प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 है। इसी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 674 हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है और कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई को प्रदेश के अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिले में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के 5 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इनमें अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक और सवाईमाधोपुर जिला शामिल है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार की सपाट शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 88.11 अंक यानी 0.23% नीचे 37,647.96 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.13% यानी 13.95 अंकों की बढ़त के साथ 11,116.10 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इंफोसिस, सनफार्मा, आईओसी, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, अडानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं एचडीएफसी, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, रिलायंस, हिंडाल्को और मारुति की शेयर गिरावट पर खुले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।